नमस्कार, मैं आज आपसे एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ाऊंगा आपसे से। अमरनाथ में निर्दोष 7 देशभक्तों को, शिवभक्तों को आतंकी हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी जान चली गई। क्या उनका कौन सा कसूर था? ये आखिर आतंकवाद गतिविधियाँ क्यों रोकी नहीं जा रही हैं? क्या ट्विटर और फेसबुक पर निंदा ही करने से बेकाम होगा? क्या सरकार को इसराइल जैसे जो इस्लामिक स्टेट से घिरा था, आज वो पूरी तरह से वहाँ से स्वतंत्र हो चुका है? अपनी अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वहाँ के लोग कैसे जश्न मना रहे थे। क्या उनकी नीतियाँ अपना के हमें आतंकवाद को खात्मा नहीं करना चाहिए, चारों खाने चित करने देने चाहिए? लेकिन ये राजनीतियाँ रोटियाँ कैसे सेकी जा रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यार। क्या इन राजनीतिक उठक पैक में आम जनता पिसती क्यों है? आखिर इनका दोष क्या रहता? निर्दोष को जान क्यों जाती है? क्या एक निंदा शब्द जैसे इन क्षतियों की पूर्ति की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति तुष्टिकरण इतनी है कि आतंकवाद के मामले ऐसे हैं कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी बुरहान खान जैसे मारे जाते हैं, उनके शव यात्रा में लाखों की लोग चले जाते हैं। शव यात्रा बोलना उचित नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि उनके लाखों लोग उनके जनाजे में जाते हैं, उनके भाई को मुआवजा देने की बात होती है। क्या आतंकियों को पनाह देने वाले शंकर जैसे अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में रहने का हक है? वो तो हमारी आम जनता के ही फंड से, उनके टैक्स से ही जीते हैं, जो उनको सुरक्षा दी जाती है, जो उनको छूट दी जाती है। क्या उसको विचार करने का जरूरत नहीं है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर हमारा होता हुआ भी नहीं है? क्या अब धार्मिक स्थल पर दर्शन करना भी दुश्वार हो चुका? क्या अब हमें भय में ही रहना पड़ेगा? मोदी जी आज जो चुप है, यही चुनाव से पहले ही मोदी जी बड़े धार धार करते हैं कि आंखों में आंख डाल के बात करेंगे। क्या करें? क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुप होना उचित है? क्या दोबारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? आखिर एक क्यों? उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद कमर टूट जाएगी, साथ में नोटबंदी के बाद हमारे यहाँ के पत्थरबाजी, न पत्थरबाजी रुक रही है न आतंकवादी रुक रहे, और इस पर राजनीति किस तरह की जा रही है? आप देखते हैं डिबेट होते हैं, शो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं गुमराह युवा। गुमराह कैसे? जो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर पत्थर मारे, हमारे सैनिकों के शव पे राजनीति करे, ये कैसे? मतलब मैं मान लूं कि ये बहका हुआ युवक है, आज अगर सेना जम्मू में ना रहे, ये लोग रह नहीं सकते। लेकिन सबसे दुखद घटना जम्मू कश्मीर में कि अमरनाथ यात्री जा रहे थे, आम नागरिकों को आतंकी हमला का सामना करना पड़ा, जिसमें वो मारे गए। वैसे सेम घटना में आपको हमारी अमेठी से कुछ बगल घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ऊंचे हाल में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जला के मार दिया गया, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं तो अपराधी थे, अपराधियों के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन जो प्रतापगढ़ और रायबरेली की पुलिस ने केस रिपोर्ट अपनी जांच की, उसके बाद जो फाइल की, उसमें वो आज तक उनके ऊपर ना कोई मुकदमा है ना कोई भी केस दर्ज है, वो कैसे अपराधी हो सकते हैं? उनके बयान पे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी सहमति जताई कि केशव प्रसाद मौर्य जी सही करें। क्या अब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र देख के ही समाज में सब चीज न्याय दिलानी होगी? जो रायबरेली में हुआ वो दुखद था, सबसे बड़ी बात वो दुखद था। ऐसे अवनीय व्यवहार किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए बिना न्याय, उनके साथ अगर कुछ हुआ था तो उनको न्याय मिलता। लेकिन एक तुष्टिकरण राजनीति सबसे बाहर है, उस पर भी राजनीति कुछ। उसके बाद विजयेश पाठक जी ने आके बोला, कानून मंत्री जो, उन्होंने कहा इस पे जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ना मैं मानता हूँ कुछ होगा, कुछ दिन बाद ये भी ठंडे बस्ते में चल रहा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करके बीजेपी सत्ता में आई थी, आज उस लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करती? क्यों सत्ता के हालत में कांग्रेस की तरह बिहेव करने लगी? वही सत्ता जो मोदी जी ने चिल्ला के कहते थे कि मैं आऊँगा लॉ ऑर्डर सही कर दूंगा, यहाँ की आतंक खत्म हो जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन
जैसे रायबरेली जैसे आपके कुछ ही चंद किलोमीटर लखनऊ से पड़ते हैं 50-60 किलोमीटर, वहाँ ऐसी घटना होती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये कैसे मानेंगे लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया? मैं आपको एक नए मुद्दे के साथ फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पांडे के साथ अश्विन मिश्रा।